हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट फंडामेंटल टॉपिक इज बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट एंड इंट्रोडक्शन नीड इज डिफाइंड एज रिक्वायरमेंट और लैक ऑल पीपल हैव सर्टेन फंडामेंटल नीड दैट दे स्ट्राइव टू सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है कि पेशेंट की कुछ नीड होती है कुछ आवश्यकताएं होती हैं या फिर कुछ कमियां बोल सकते हैं जिनको वो पूरी करना चाहता है ठीक है तो उसको नीड कहते हैं जैसे कि जो सभी ओल्ड पीपल्स होते हैं जैसे कि हम और आप सबकी कुछ फंडामेंटल नीड्स होती हैं या कुछ बेसिक नीड होती हैं जिनको हम पूरी करना चाहते हैं और पूरा एफर्ट लगाते हैं उसको पूरा करने के लिए ठीक है और वैसी ही नीड पेशेंट की भी होती है क्योंकि पेशेंट भी एक ह्यूमन बीइंग होता है तो वो भी जब हॉस्पिटल में आता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी भी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है ठीक है दीज नीड्स आर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल तो ये नीड्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होती हैं तो फिजिकल में क्या क्या होता है जैसे नीड ऑफ ऑक्सीजन फूड एंड साइकोलॉजिकल में नीड ऑफ लव एंड फील रेस्पेक्टेड ठीक है तो फिजिकल नीड क्या होती है ठीक खाना पीना सोना ऑक्सीजन ठीक है ये सब अपनी फिजिकल नीड होती है और साइकोलॉजिकल नीड लव अफेक्शन सेल्फ रेस्पेक्ट ये सब है ना फील गुड और बस ये सब जो होता है वो साइकोलॉजिकल नीड होती है जिनको पूरा करना चाहता है द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच नीड डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एक्सपेक्टेशन सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड तो ये एवरी uh, इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है कि कि उसकी नीड डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है जैसे उसकी प्रायरिटी ऑफ नीड भी डिफरेंट हो सकती है कि वो कौन सी नीड को प्रायरिटी दे और मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए होता है कि उसको पहले लव्ड मिले या पहले अफेक्शन uh, मिले ठीक है किसी इंडिविजुअल को होता है कि नहीं पहले तो उसको खाना चाहिए ठीक है तो उसकी अलग अलग अपनी अपनी उस पर मतलब अपने पर्सनल एक्सपेक्टेशन पे ये हो सकता है ठीक है कि वो क्या पहले चाहता है कौन सी नीड को वो पहले पूरा करना चाहता है ठीक है जैसे और ये भी प्रभावित होती है कि उसकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से प्रभावित प्रबाव, प्रभावित होती है उसकी नीड ठीक है और उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से कि भाई वो उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड जैसा होगा वैसी ही उसकी नीड होगी ठीक है देन हम देखते हैं बेसिक नीड ऑफ पेशेंट पेशेंट की क्या क्या बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड ठीक है फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स इसमें फूड एलिमिनेशन रेस्ट स्लीप एक्सरसाइज रिक्रेशनल एंड साइकोलॉजिकल तो ये फिजियोलॉजिकल uh, नीड्स होती हैं जैसे फूड एलिमिनेशन रेस्ट स्लीप वगैरह ये सब ठीक है तो पेशेंट क्या चाहते हैं कि उसको अच्छा खाना मिले टाइम पे खाना मिले तो जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनको हम उनकी डाइट के अकॉर्डिंग ठीक है उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग और उनको हेल्थी खाना देते हैं और और कभी हम पेशेंट की इच्छा के अनुसार भी उनको खाना दे सकते हैं ठीक है और एलिमिनेशन जैसे तो उसको यूरिन पास करना है मोशन पास करना है तो उसमें भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनकी हेल्प करेगा कि पेशेंट चाहेगा कि अगर वो डिपेंडेंट पेशेंट है तो चाहेगा कि मेरी कोई हेल्प करे ठीक है और रेस्ट और पेशेंट को पीसफुल रेस्ट भी चाहिए स्लीप एंड एक्सरसाइज तो पेशेंट के लिए स्लीप तो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर तो होता ही है ठीक है तो पेशेंट को एक काम स्लीप की भी आवश्यकता होती है शियल नीड इसेंशियल नीड मतलब आवश्यक नीड जैसे एज एयर ओ टू एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ सेविंग मीजर्स मतलब आवश्यक नीड होती है ये क्योंकि इनमें ऑक्सीजन उसको चाहिए मतलब किसी भी कंडीशन के कारण अगर सीरियस कंडीशन में पेशेंट तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़े या फिर कुछ लाइफ सेविंग मीजर्स करने पड़े जैसे वेंटिलेटर पे लेना पेशेंट को या फिर सी देना है ठीक है या कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स देनी है तो उसकी वो भी नीड होती है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर पूरी करता है प्रोटेक्टिव नीड्स प्रोटेक्टिव नीड्स में क्या होता है सेफ्टी सिक्योरिटी लव रिगार्ड्स नीड ऑफ बिलोंगिंग्स प्रोटेक्टिव नीड मतलब उसको प्रोटेक्शन की नीड होनी चाहिए मतलब उसको यूँ लगे कि मैं सही सलामत हूँ हॉस्पिटल में मेरा पूरा प्रोटेक्शन है मुझे किसी भी चीज़ की मतलब कुछ भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऐसा उसको उसको साथ ऐसा बिहेवियर भी, भी ऐसा करना चाहिए जिसको ऐसा उसको लगे कि वो सेफ़ है और उसकी सेफ्टी के लिए भी हम कुछ मेजरमेंट यूज़ करते हैं जैसे साइड रेल सुना या फिर या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पेशेंट ले जाते हैं तो ट्रॉली का यूज करते हैं है ना या फिर व्हील चेयर का यूज करते हैं तो उनपे व्हील चेयर पे, पे बेल्ट्स का प्रयोग करना साइड रेल्स का प्रयोग करना ठीक है और प्रॉपर लाइटनिंग होना या फिर बाथरूम वगैरह में प्रॉपर हैंडल लगे होना जिससे वो जिसके उस, उसको अगर फॉल की भी रिस्क है तो वो बच सके ठीक है और फ्लोर भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए ताकि उसकी सेफ्टी हो सके पेशेंट की ठीक है अल, लव एंड रिगार्ड नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको अपनापन लगना चाहिए पेशेंट को कि यू नहीं हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको ये फील करवाई कि बस वो एक पेशेंट है और वो कुछ नहीं है बस तो उसको ऐसा नहीं है उसके साथ उसको अपनापन भी लगना चाहिए ठीक है उसको उसकी नीड होती है कि उसको उसके साथ अपनेपन का व्यवहार किया जाए नीड ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन उसको उसमें उसको सेल्फ uh, रिकोगशन की भी नीड होती है आइडेंटिफिकेशन भाई कि उसकी भी कुछ आइडेंटिफिकेशन है उसकी भी कोई पहचान है वो बनी रहे ठीक है थीके? और देन है स्पिरिचुअल नीड ऑल पेशेंट फ्री टू वॉर्शिप देर गोड टू देरिड होती है patient की कि जो सभी patient होते हैं उनके अपने अलग अलग गोड होते हैं ठीक है वो अपने अलग अलग गोड को मानते हैं तो उस हिसाब से उनको प्रेयर करने का चोइस होती है उनके पास ठीक है तो उसमें कोई रोक टोक उनको नहीं करनी चाहिए उनको जैसा वो चाहे प्रेयर करना चाहे या मंदिर जाना चाहिए हॉस्पिटल में मंदिर भी होते हैं तो मंदिर जाना चाहिए तो वो मंदिर भी जा सकते हैं प्रेयर कर सकते हैं तो ठीक है उन तो उनकी स्पिरिचुअल नीड भी पूरी करनी चाहिए देन साइकोलॉजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड का क्या मतलब होता है कि उस, कि पेशेंट को जो उसको जो डिजीज से रिलेटेड उसकी कोई उसकी एंगजाइटी है ठीक है उसके मन में कोई डर है तो वो उसकी उसको सबसे पहले तो वो उसको दूर करना चाहिए वो चाहेगा कि कि मुझसे मेरी डिजीज से रिलेटेड मुझे हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुछ बताए ठीक है उसको गुड फील करवाना ठीक है या फिर उसकी सेल्फ एस्टीम को भी इंक्रीज करना चाहिए पेशेंट की ठीक है देन कम्युनिकेशन नीड कम्युनिकेशन नीड में क्या होता है कि पेशेंट चाहता है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आए तो उसके साथ अच्छे से कम्युनिट कम्युनिकेट करें उसके साथ अच्छे से बातचीत करें ठीक है तो किस तरह से करना चाहिए तो वर्ड का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट के साथ हम किस वर्ड्स में बोल रहे हैं ठीक है टोन ऑफ वॉइस क्या है वो भी ध्यान रखनी चाहिए फेशियल एक्सप्रेशन मेन इम्पोर्टेंट होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन हमारा कैसा है ठीक है तो पेशेंट यही चाहेगा कि हमसे स्माइल करके बात करें फेशियल एक्सप्रेशन ही देखता है पेशेंट ठीक है वे वे वी स्टैंड ये भाई हम किस तरह से उसके साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं या फिर यूं ही भागते भागते बात कर रहे हैं भाई काम कर रहे हैं पेशेंट कुछ बोले जा रहा है और हम सुन भी नहीं रहे हैं बस यूं ही चलते हुए उसको जवाब दे रहे हैं ऐसा नहीं है उसके खड़े होकर उसके साथ आराम से बात करना चाहिए पेशेंट को टच करके बात कर सकते हैं हम है ना जिससे उसको अच्छा फील हो देन एलिमिनेशन नीड नीड ऑफ यूरिनेशन एंड डिफिकेशन पेशेंट की एलिमिनेशन नीड को भी एलिमिनेशन uh, नीड भी उसकी होती है पेशेंट की जिसको पूरा करना चाहिए ठीक है तो ये एलिमिनेशन नीड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है क्योंकि ये तो हर ह्यूमन बींग की नहीं होती है यूरिन एंड डिफिकेशन की नीड ठीक है अगर इसको प्रॉपर पूरा नहीं भी किया जाए तो अदर कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं ठीक है और

रेस्ट एंड स्लीप में क्या होता है कि पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली एंड रेस्ट देना चाहिए विद कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट ठीक है उसको एक कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए पेशेंट हो चाहेगा कि मुझे कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट मिले जिससे कि मैं अच्छे से रेस्ट एंड स्लीप कर पाऊँ ठीक है और कंफर्टेबल बेड भी उसको मिलना चाहिए पेशेंट है शुड हैव साउंड स्लीप एंड अवॉइड टेंशन पेशेंट चाहेगा कि उसको एक अच्छी नींद आए ठीक है और उसकी टेंशन भी दूर हो क्योंकि वो सोएगा तो उसको अच्छा फील होगा और उसको टेंशन भी अवॉइड करेगा वो ठीक है देन है एक्सरसाइज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गेट नॉर्मल फ्लो एंड मस्कुलर टोन बाय बॉडी मूवमेंट्स पेशेंट की एक्सरसाइज की भी नीड होती है जिससे कि वो कुछ फिजिकल मूवमेंट करे एंड उसकी मस्कुलर टोन भी इम्प्रूवमेंट हो एंड एंड बॉडी मूवमेंट्स भी उसका अच्छा हो ठीक है रिक्रिशनल रिक्रिशनल मीन्स कुछ मनोरंजन या फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए पेशेंट क्या चाहेगा to divert the patient mind from the state of illness, the recreational can be helpful by indoor games or TV, radio, music, reading etc. means patient के entertainment के लिए और क्या किया जा सकता है जिससे कि patient का mind divert हो, ठीक है जिससे कि उसके जो illness की state है, जिससे उसको कोई disease है, उसको कोई भी problem हो रही है जैसे पेशेंट को पेन भी है तो कई बार एंटरटेनमेंट से हम उसका पेन भी रिड्यूस कर सकते हैं वो अपने पेन को भूल जाता है ठीक है तो उन ऐसे गेम ऐसे एक्टिविटीज़ क्या करवा सकते हैं जैसे कोई इंडोर गेम्स खेल रहा हो पेशेंट ने ठीक है वो खेल सकता है कुछ भी इंडोर गेम्स हो टीवी देख सकता है रेडियो देख सकता है कुछ म्यूजिक या फिर रीडिंग कर सकता है ठीक है ये सब साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होगा टू अवॉइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अक्कर टू टू सिकनेस साइकोलॉजिकल नीड में पेशेंट को स्ट्रेस और जो स्ट्रेन उसको सिकनेस की वजह से हो रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए ठीक है ये साइकोलॉजिकल नीड होती है ठीक है तो ये हमारी हुई बेसिक नीड ऑफ पेशेंट केयर जिसमें हमने देखा कि पेशेंट की कुछ फिजियोलॉजिकल नीड इसशियल नीड प्रोटेक्टिव नीड्स नीड ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन, स्पिरिचुअल नीड एलिमिनेशन नीड कम्युनिकेशन नीड रेस्ट एंड स्लीप एक्सरसाइज ठीक है ओके थैंक यू